सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो आज की व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं न्यू दिन से, न्यू शुरुआत से। तो मैंने अपना चूल्हा जला लिया है, तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी फ्राइड राइस और साथ में मसूर मटर की दाल कैसे बनाई जाती है, काफी टेस्टी लगती है। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट ही है। आज मैं आपको बताऊंगी कि फ्राइड राइस कैसे बनाई जाती है, लेकिन सिंपल फ्राइड राइस नहीं, आज मैं आपको बताऊंगी मेथी फ्राइड राइस कैसे बनाई जाती है। तो उसके लिए मैंने सारा सामान रख लिया है, ये अनियन, मेथी, टमाटर और ये वाइल्ड राइस। तो सब वाइल्ड राइस पहले आप क्या करोगे कि इन राइस को अच्छे से बॉयल कर लोगे इस तरह से अच्छे से, फिर हम इसे करेंगे फ्राइड, ठीक है। तो मैं करती हूँ स्टार्ट। फिर पहले मैं डालूंगी जीरा, थोड़ा सा मैंने तेल भी डाला है इसके बीच में, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा तेल डालना है। अब मैं डालूंगी जीरा इसे अच्छे से पकने में। मेथी फ्राइड राइस इतने अच्छे बनते हैं, उतने टेस्टी होते हैं ना, और सर्दियों में अगर आप मेथी के साथ बनाओगे ना तो आपको क्या है कि चावल जो है वो ठंडे नहीं लगेंगे, जिनको कोल्ड होगी ना उनको भी जो है ये फ्राइड राइस काफ़ी अच्छे लगेंगे, ठीक है। सर्दियों में ना मुझे लगता है कि ऐसे ही खाने चाहिए राइस, जिससे क्या होता है कि राइस आपको खराब नहीं लगेंगे। आप तो जीरा हो चुका है, तो अब मैं डालूंगी इसमें अनियन, अच्छे से पकने लूँगी। डालूंगी प्याज हमारा हो चुका है, अब मैं डालूंगी इसमें टमाटर, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है, ये ज़्यादा है बस। मैं इसे अच्छे से पकने दूंगी ताकि इसका जो टमाटर का पानी है वो अच्छे से सूख जाए। तो टमाटर और प्याज जो है वो अच्छे से पक चुके हैं, तो अब मैं डालूंगी इसमें मेथी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेन है इसमें। तो अब हम इन सभी को साथ में, ये हमारा फ्राइड राइस का मटेरियल हो गया रेडी, मेथी, टमाटर और प्याज पक चुके हैं, अब मैं इसमें डालूंगी राइस। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ राइस फटाफट से, ये देखिए। तो ये देखिए हमारे फ्राइड राइस बन चुके हैं, ये देखिए। अगर आपको अकेले फ्राइड राइस खाने हो ना तो आप और ज़्यादा अनियन और टमाटर डाल मटेरियल डाल के बना सकते हो, लेकिन मैंने खाने हैं दाल के साथ तो इसलिए मैंने कम मटेरियल रखा है। लेकिन फ्राइड राइस का ये जो रेसिपी है ना वो यही है जो मैंने आपको आज बता दी है। तो ये देखिए हमारे फ्राइड राइस हो चुके हैं रेडी, और ये मैंने डाल दी इसके ऊपर धनिया। तो अब हम इन्हें ढक कर रख देंगे। आज देखिए मैं आपको मटर और मसूर दाल बना सिखाऊंगी कि कैसे बनाई जाती है। तो ये देखिए मैंने मटर और मसूर की दाल रख ली हुई है, आपको बताऊंगी। तो तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दी है, मैं डालूंगी इसमें जीरा। तो जीरा हो चुका है, अब मैं डालूंगी इसमें अनियन, आज मैं आपको न्यू तरीका सिखाऊंगी रेड वाली लाल मसूर दाल कैसे बनाई जाती है अपने तरीके से, बहुत टेस्टी लगती है। और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मुझे किसने सिखाई है, वो मुझे सिखाई थी पापा जी ने, जो मेरे भाई के वाले, उनको आदत थी कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। तो जब भी वो कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मैं देखती रहती थी, तो ये भी मैंने पापा जी से सीखा हुआ है। तो थैंक्स टू डैड कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी कुकिंग सिखाई है। डाल दी इसमें हल्दी, नमक अपने स्वाद के अनुसार। तो ये देखिए अनियन भी हमारा हो रहा है, अब मैंने डाल दी इसमें टमाटर। जब तक हमारे टमाटर और प्याज अच्छे से पक रहे हैं तो मैं क्या करूँगी, अभी ये जो मैंने लहसुन रखा हुआ ना इसे मैं अच्छे से कूटूंगी। आपको पता ही कि मैं इसे कूट के डालती हूँ, मुझे इसका फ्लेवर तभी अच्छे से आता है। मैंने अच्छे से कूट लिए हैं देखिए लहसुन, तो अब मैं इसे डाल दूंगी इसके बीच में के साथ बना रही हूँ ये, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डालूंगी मटर, अच्छे से पकाऊंगी अब इनको। आप चाहो ना इसके बीच में तो तोरी होती है ना, तोरी तोरी की सब्जी भी डाल सकते हो, ठीक है। मेरे पास थी नहीं इसलिए मैंने डाली नहीं, वरना आप इसके बीच में एक तोरी काट के डाल दो, इतनी टेस्टी बनती है ना। ये सभी पापा जी के आईडी हैं, जो मेरे मायके वाले पापा जी हैं। मसूर की दाल ये देखिए, मटर भी हो चुके हैं हमारे, अब मैं फटाफट से डाल देती हूँ मसूर की दाल। अब इसे भी थोड़ी देर के लिए इस तरह से पकने देते हैं, बोलते हैं ना कि राड़ा लगने देते हैं अच्छे से। फिर डालेंगे अब इसमें पानी थोड़ी देर के बाद। कुकिंग का ना हमेशा, अगर आप सही मेथड से कुकिंग करोगे ना तो कुकिंग हमेशा अच्छी ही आपकी होती है, फ्लेवर भी अच्छे से आता है और टेस्टी भी लगता है। अगर आप जल्दबाजी करोगे ना हर चीज़ में एकदम से सब कुछ ही डाल दोगे तब नहीं आता टेस्ट है। कुकिंग का भी ना हर एक तरीका होता है कि कैसे बना रहा है कोई इंसान, किस तरह से हर मटेरियल डाल रहा है, कब डाल रहा है, ये सारी चीज़ ना पता होना चाहिए, तभी कुकिंग जो आपकी अच्छी होती है। अब मैं डालूंगी इसमें पानी, तो
तो अब मैं इसको लगाऊंगी ओनली वन विसल और ये हमारी बनके हो जाएगी रेडी। तो मैं अब इसको लगाती हूँ ढक्कन और ब्रेड करते हैं तब तक। तो ये देखिए मसूर की दाल और साथ में मटर की मिक्स करके बनाई मैंने। देखिए मटर भी कितने अच्छे से पक्की है। तो अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, इसके ऊपर भी इस तरह से धनिया। धनिया जो होता है ना वो मेन इंग्रेडिएंट होता है, इसे काफ़ी टेस्टी लगती है। तो ये देखिए भी बन गई मसूर की दाल और साथ में। तो फ्रेंड्स आज आपने देख ही लिया होगा कि किस तरह से मैंने फ्राइड राइस बनाए, मतलब कि मेथी फ्राइड राइस और साथ में बनाए मैंने मटर लाल मसूर की दाल। देखिए न्यू तरीके से बताई मैंने आपको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि जब आप मुझे कमेंट करते हो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे काफ़ी सपोर्टिव लगता है वो। तो सभी को बाय बाय, तो मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में नए दिन के साथ।